ईसा कह रहे हैं इस्मुहु अहमद, जिसके जरिए दुआएं कबूल होती हैं, उसका नाम भी रखा हुआ है अहमद। और दलील है तो फिर दलील कयामत में भी तो कायम रहेगी ना, कि कोई जो ना कर सकेगा वो मुस्तफा करके दिखाएंगे, और खुदा को उस पर नाज होगा क्योंकि दलील भी मेरी ही है। नाराज थोड़ी होगा, नाज होगा कि दलील खुद ये रहमान की है, तो अपनी रहमत ना दिखाए तो और क्या दिखाए। तो फरिश्ते जहन्नम को ले जा रहे होंगे, मुस्तफा जन्नत के फैसले सुना रहे हैं कि महबूब आपको अगर पैदा ना करता तो अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना करता। तो जब तक खुदा की जात रहेगी, दलील मुस्तफ़ा भी रहेगी। दलील अल्लाह ने खुद कह दिया कुरान में, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो अल्लाह की दलील बनकर आए। तो जब तक कुदरत कायम है, जब तक नबुवत भी कायम रहेगी। बच्चे पैदा होते हैं तो नाम रखा जाता है, दुनिया में आने के बाद नाम रखा जाता है। यहाँ तो आदम ही कह रहे हैं मुस्तफ़ा के सदक़े बख्शिश फरमा दे, पहला इंसान कह रहा है कि नाम रखा हुआ है, कुर्बतों के अंदर मोहब्बतों के अंदर चुन रखा है, किसी को रखा हुआ है जिसके सदक़े सब चल रहा है। ईसा कह रहे हैं इस्मुहु अहमद, जिसके ज़रिए दुआएं कबूल होती हैं, उसका नाम भी रखा हुआ है अहमद। मालूम ये चला वजूद ज़ाहिरी बाद का है, असल वजूद तो कायम है। तो जैसे दलील कहा है ना, तो दलील की जिहाद को आपको समझना पड़ेगा कि किस किस जिहाद से आप दलील कहेंगे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को। और दलील है तो फिर दलील कयामत में भी तो कायम रहेगी ना, कयामत में भी तो दलील खुदा की कायम होगी ना। इसीलिए तो कहा कि कोई जो ना कर सकेगा वो मुस्तफ़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि दलील है खुदा की, और खुदा को उस पर नाज होगा क्योंकि दलील भी मेरी ही है। नाराज थोड़ी होगा, नाज होगा, नाराज नहीं होगा बल्कि नाज होगा कि दलील खुद ये रहमान की है, तो अपनी रहमत ना दिखाए तो और क्या दिखाए। तो फरिश्ते जहन्नम को ले जा रहे होंगे, मुस्तफ़ा जन्नत के फैसले सुना रहे होंगे, यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दलील है खुदा की, यानी जहाँ चाहें, जिस सिमत में चाहें और जैसे चाहें इख्तियार को इस्तेमाल फरमाएं, खुदा नाराज नहीं होता है, उसको तो नाज होता है। खुदा को नाज होता है कि अपनी दलील बनाकर भेजा, इसलिए मुस्तफ़ा आज़ाद इख्तियार देकर भेजा, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहें जैसे चाहें जहाँ चाहें जो हुक्म नाफिज फरमा दें, क्योंकि अल्लाह ने अपनी दलील बनाकर भेजा है। अब अगर कोई कहता है कि जी फला जगह इख्तियार नहीं है, फला जगह नहीं चल सकता, फला जगह काम नहीं है, फला जगह नबूवत नहीं है, फला जगह रिसालत नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि फिर वहाँ ये कहना पड़ेगा कि खुदा की क्या वहाँ कुदरत नहीं है, खुदा की ज़ात नहीं है, खुदा की शान नहीं है, सिफात नहीं है। अगर वहाँ खुदा की हुकूमत है, ज़ात और सिफात है, तो फिर मानना पड़ेगा कि खुदा ने जिसको दलील अपनी बनाकर भेजा है, उसकी दलालत भी वहाँ चलती रहेगी। तो जब खुदा की अदालत होगी तो मुस्तफ़ा की अपनी एक दलालत भी तो होगी। तो जहाँ जहाँ अजल से अबद तक ये किस्सा चला आ रहा है, इसीलिए तो फरमाया कि महबूब आपको अगर पैदा ना करता तो अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना करता, किया ही आपके लिए है, कि खलक फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। आला हज़रत फरमाते हैं ना, ज़मीन व जमा तुम्हारे लिए, चुनिन व चुना तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, ज़मीन व जमा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में हैजान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इसलिए फरमाया ना कि दलीलें खुदा की, हम तो वहाँ भी मुस्तफ़ा को पहचानेंगे, और मुस्तफ़ा अगर हमें पहचान ले तो काम हो गया। अगर वो हमें पहचान लेंगे तो शिफात हो जाएगी, काम बन जाएगा, और अगर मुस्तफ़ा ही ना पहचाने कि मेरा उम्मती है, तो फिर क्या करोगे। हशर में खुद को जो देखूँगा बिखर जाऊँगा, हुजूर आपने घर न संभाला तो किधर जाऊंगा। अगर हुजूर फरमा दे इसके चेहरे पे मेरी सुन्नत नहीं है, मेरा उम्मती लगता नहीं, नमाजों का नूर इसकी जबी में चमकता नहीं है, ये मेरा उम्मती लगता नहीं, जुबान से झूठ और गिलाजत और गाली और गलोच और फाश और झूठी कस्में और झूठे वादों की बू आती है, ये मेरा कलमा पढ़ने वाला लगता नहीं, इसके आज़ा के अंदर हराम की बू आती है, जुल्म व सितम की बू आती है, ये मेरा कुरान को मानने वाला पढ़ने वाला लगता नहीं। अगर हुजूर ने इनकार कर दिया तो कहाँ जाएंगे। एक ही आसरा है हम सब का, हमारा नहीं, आदम से लेकर सारी इंसानियत का एक ही आसरा है, और वो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात करीमी है। वो फैसले का दिन है, वो दुनिया नहीं है कि आज ये कर लिया तो कल कुछ और हो जाएगा। यहाँ तो मक्कारियाँ कर लेते हैं,
यहाँ तो धोखा कर लेते हैं, यहाँ तो कल की उम्मीद है, वहाँ नहीं होगी। वो मीजान का दिन है, फैसले का दिन है, अदल का दिन है, यौमुद्दीन। उसी दिन एक ही फैसला होना है, या तो मुस्तफ़ा वाले या फिर जहन्नम वाले, बस दूसरी कोई बात नहीं है। या तो मुस्तफ़ा वाले या फिर जहन्नम वाले, तीसरी कोई बात नहीं है। जो महबूब का है बस वही है, जो नहीं है तो बस नहीं है।